माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू द एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 8C। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई ए पार्ट, सिंपलीफाई एंड एक्सप्लेन द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 7। तो कल टू 3 पावर 7 बेस पर पावर 7 होती है, 2 प्लस 4 प्लस 7। तो कल टू 3 पावर 13। बी पावर 6 पावर 15, 6 पावर 15 डिवाइड बाई 6 पावर 10। वी नो दैट डिवीजन में 6 पावर 15 अपॉन 6 पावर 10 इक्वल टू 6 पावर 15 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इक्वल टू 6 पावर 15 माइनस 10 इक्वल टू 6 पावर 5। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। सी पावर ए की पावर 7 इनटू ए की पावर 3 5, ए की पावर 7 इनटू ए की पावर 5 इक्वल टू ए की पावर 7 प्लस 5 ए की पावर 7 बाय 4। दिस इज आंसर। सिमिलरली होम पर डी पर 7 पावर 8 इनटू 7 पावर 2 ई पर 27 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 27 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 पावर 2 एफ पर 3 पावर 4 होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 3 पावर 5। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म ए पर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 64। 8 बन जाएगा 1 8 64। तो कल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 अपॉन 3 इंटू 8 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 3। दिस दिस कैंसिल। तो कल टू 3 पावर 4 माइनस 1 ये पावर ऊपर जाएगी, डिवीजन में घट जाती है। कल टू 3 पावर 3। बी पावर 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 4 डिवाइड बाय 5 पावर 3। जब डिवीजन करते हैं तो पावर घट जाएगी, ऊपर जाके 6 पावर माइनस 3 इक्वल टू 5 पावर 3। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही होमवर्क में सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज ऑल।